Hey guys, welcome or welcome back to my channel Abhiksha. Hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्राइंग वायरल रेसिपीज फॉर 24 आवर. आई मीन मैं जो भी वायरल रेसिपीज हैं शॉर्ट्स पे या फिर कहीं पर भी हैं उनको मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा बहुत है एंड पर्सनली मुझे ऐसे कुकिंग वीडियोस देखना बहुत पसंद है. जो भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं लोग तो हमेशा देखती ही रहती हूँ. इस बार सोचा कि चलो बना के भी देखते हैं. इसमें से कुछ चीज़ें बहुत ईजी लग रही हैं तो हम स्टार्ट जो है वो ईजी से ही करेंगे. एंड रेसिपी हम जो ट्राई करने वाले हैं वो है एक ब्रेड की चीज़ जो कि बहुत ईजी है. आई एम श्योर आप सब ने ट्राई की होगी, बहुत बार खाई भी होगी. ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर दूध जो कि हमने ऐसे केटल में रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट कि थोड़ा सा अच्छा सा लगे. एंड देन वी हैव टू ब्रेड्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैसा बनेगा. सक्सेसफुल हुआ तो हम और ब्रेड यूज करेंगे, वरना हम इसी दो ब्रेड से काम चलाएंगे. एंड आई हैव ब्राउन ब्रेड बिकॉज हमारे घर में सिर्फ ब्राउन ब्रेड आती है. नेक्स्ट वी हैव अमूल का बटर एंड नाइफ एंड अ चॉपिंग पैड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्रेड हमने यहाँ कट कर ली है. अब करना है हमें पैन ऑन. सबसे पहले वी हैव द पैन राइट हियर. हमारा पैन जो है वो गर्म हो गया है. अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बटर. डालना चाहे तो टोटली ऑप्शनल. ये फ्राई हो जाए ब्रेड्स. ओके, सो तो बटर वाला पार्ट इज टोटली ऑप्शनल. अगर आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें. ये काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया, मुझे लग रहा है ये पहली चीज़ ही नहीं बनेगी बिकॉज काफ़ी गीला गीला हो गया ये. आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग बट आई फाइंड समथिंग वेरी न्यू कुछ. मुझे लग रहा है हम इसको पलटेंगे थोड़ा सा हिम्मत करके. तो ये हमारी प्लेट एंड दिस इज द फर्स्ट आइटम वी मेड. दिस इज द फर्स्ट आइटम वायरल रेसिपी का. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस थिंग. मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मुझे खाने में ही डर लग रहा है. काफ़ी सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट है. ये क्या ही बना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा तो कुछ उसमें था नहीं रेसिपी में. बस सिंपल सा ये ब्रेड में दूध डालना है. पहली चीज मुझे ब्रेड नहीं पसंद, दूसरी बात मुझे इसका टेस्ट ही अच्छा लग रहा है. पता नहीं लोग क्यों इतना वायरल वायरल करके इसको बनाए हैं. कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, ब्रेड को ना दूध में भिगो दिया आपने, दैट्स इट. मुझे ब्रेड भी नहीं पसंद है तो फॉर मी ठीक ही है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बेकार है. मैं इस डिश को दूंगी, खुद ही की बनाई चीज़ को मैं रेट करूँगी 10 में से 3. बनाया मैंने सही है लेकिन टेस्ट नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ब्रेड नहीं पसंद और मुझे लगा था कुछ अलग सा स्वाद होगा लेकिन बेकार है. 10 में से 2. अब दीदी हमारी रेट करेंगी हमारी इस डिश को जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तुम खाली ये बताओ इसमें है क्या. नहीं वो तुमने हल्का सा खाया लेकिन तुम्हारे लिए साफ, उधर से ले लो कुछ मीठा. ब्रेड बटर जैसे ही नहीं तो अगर आपको ये दिया जाए रोज तो आप खा सकते हैं. नहीं उल्टी हो रही. तो ये कुछ इस तरीके से बना है. माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, नीचे गई है. अच्छा ये इसको गेस करो पहले क्या है तुम बताए. ब्रेड बटर जैसे ही लग रहा है कुछ. ब्रेड बटर नहीं मेरी बहन, इसकी मतलब बदबू वाली. हाँ मतलब हमको आती है, हमें तो ब्रेड नहीं पसंद है वही तो बहुत मुश्किल है इसको खाना. मेरी ऑडियंस देखना चाहती है कि ये क्या है. मैंने बस कोशिश की बनाने की. तो अगली रेसिपी के लिए हम कुकर में आलू चढ़ा देंगे.
पर हमारा आलू बनने के लिए रख दिया है हमने, पीछे हमने दाल चढ़ा दी है और यहाँ पर हम बना रहे हैं कुंदरू। एक और चीज़ बता दूँ कि ये कुंदरू 5 मिनट वाला नहीं है, इन्हें रेसिपी में ऐड नहीं है, ये जस्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि घर पर खाना बन गया। सब लोग तो ये नहीं खाएंगे ना अगर हम बड़म कुंदा बना रहे हैं। तो ये कुंदरू है, आज मैंने इसमें ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है आलू डाल के, तो देखते हैं कैसा बनता है। मुझे ना पर्सनली आप लोग मुझे बताना कि आप कुंदरू कैसे बनाते हो, मुझे कुंदरू काफ़ी पसंद है, तो मैं कढ़ाई में उसको खूब फ्राई करके बनाती हूँ, एकदम लाल लाल से हो जाते हैं और गोल गोल काटती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो। तो ये तो नॉर्मल खाना बन रहा है, लेकिन साथ में हमारी जो आलू उबल रही है वो मैंने आपके साथ बता दी, इधर आलू उबल रही है, अभी भी हमारे पास एक जगह बच रही है, मैं सोच रही हूँ उसमें चावल चढ़ा दूँ, एक्चुअली चावल हमारे यहाँ इतना खाया नहीं जाता। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं भी कुछ इधर उधर कर लेती हूँ, दो चार रेसिपीज़ और देख लेती हूँ, थोड़ी एडिटिंग कर लेती हूँ। देखो सच बताऊँ पूरा रूटीन दिखाने पर आगे तो वीडियो कम पड़ जाएगा, सो चलिए अपना काम करते हैं। गाइस सो वेलकम बैक, अभी बज रहे हैं 3, मतलब वो ब्रेड खाने के बाद मैं सच बताऊँ मैंने थोड़ी सी चाय पी क्योंकि मेरा मन खराब हो गया था, मुझे लगा मुझे उल्टी हो जाएगी और मैंने उसके बाद से कुछ खाया था। हाँ मैंने खाया था, मैंने पनीर का पराठा खाया था थोड़ा सा। तो अभी हम बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी, खाना बना है जो कि घर वाले खाएंगे और ये जो अगड़म बगड़म बनेगा ये हम खाएंगे। तो चलिए अगड़म बगड़म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है आलू, आप देख सकते हैं वी हैव बॉयल पोटैटो, जो कि हमारे पास यहाँ पर है आलू। देन वी हैव सम कॉर्नफ्लावर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है चीज, डाइस्ड चीज है ये। हम आलू को मैश कर लेंगे, आलू ठंडी हो गई है, मैंने वीडियो बनाने के लिए ना इसको पहले ही उबाल के रख दिया था, सो पहले इसको मैश करेंगे। कर रहे हैं ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, हम विशाल मेगा मार्ट से लाए थे, बहुत अच्छा है। विशाल मेगा मार्ट से लाए थे कि सुपर 99 से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जिन्होंने आलू को अच्छे से मैश करना है बिकॉज सारी जो भी इसमें ये सारी चीजें मिलेंगी ना, ये देखो तो चीज डालने में कंजूसी मत करना, ठीक है। चीज डाल दिया हमने, अब हमको इसको मिक्स करना है, पहले चूड़ी पीछे करेंगे और अब मिक्स करेंगे। जब तक हमारी आलू मैश होगी हम इधर हमने कढ़ाई रख दी है क्योंकि कढ़ाई गर्म होना जरूरी है, हमको इसको शैलो फ्राई करना है, लेकिन नहीं मतलब शैलो फ्राई करना है हम लोगों को हाई फ्लेम पे, क्योंकि थोड़ा सा चीज हमने और डाला है और ये चीज ना मेल्ट हो जा रहा है क्योंकि ना मेरे हाथ की गर्मी इतनी ज्यादा है कि चीज अपने आप मेल्ट हो रहा है, हॉट हो रहा है, मैं इतनी ज्यादा हॉट हूँ। पीछे कमेंट्री करने के लिए हमारी दीदी जी आ गई हैं। दीदी कह रही है आज हम खाना नहीं खाएंगे, हमको सिर्फ यही खाना, क्योंकि भाभी आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, झूठ है। दीदी कह रही है आज मैं यही खा के अपना व्रत तोड़ूं, वैसे बना कह रही हूँ। ये दीदी है पोटैटो चीज, कुछ सोच लो, बिस्किट बिस्किट है हाँ, इसका शेप ना आप जिस चाहो से शेप में। अपने पास कोई टेडी बियर वाला कटआउट है, मम्मी को बिठा दो। अच्छा देखो हमने ये पड़ियां तैयार कर लिया, आप देख सकते हो एकदम शानदार है, मस्त है। इसको ना ज्यादा हमारा एक्चुअली बन नहीं पा रहा उस हिसाब से जिस हिसाब से हम चाह रहे थे, तो हम क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही शेप देने की कोशिश करेंगे, इसको हम गोल गोल शेप में बनाएंगे, ठीक है। किसी भी वक्त फट के बाहर आ सकता हूँ, ये मुझे महसूस हो रहा है। एज एक्सपेक्टेड ये नहीं पलटा जाएगा, मुझे लग रहा है तवे पे करना चाहिए, दैट विल बी ग्रेट ऑप्शन, ये गलती हो गई। एक मैंने पलट तो दिया किसी तरह लेकिन ये काफी हद तक खराब हो चुका है, अब हम बनाएंगे तवे पे। इसको मुझे तवे पे ही करना पड़ेगा, लेट्स सी तवे पे कैसा बनेगा। इतना मुझे पता है कि एटलीस्ट तवे पे चिपकेगा तो नहीं, अब हमको जब तवे पे ही बनाना है। चीज की वजह से फैल जा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट हमको काफी हद तक समझ में आ गया है कि हमको क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसे ये बन तो रहा है, शेप तो फिर भी बेटर हो जा रही है, बस एक दिक्कत हो रही है कि ये ना बड़ा नाजुक सा बन रहा है, ऐसे बहुत नाजुक सा। तो जो हमने पहले डाले थे उनको हम निकाल लेंगे,
ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा और बनाएंगे, एक बार को और बनाएंगे बस, उतना हम आलू रख देंगे। इतना आलू हम करेंगे क्या, तो मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं ये सारा अकेले खा सकूँ, बस ज्यादा नहीं करेंगे। ये रेडी हो गया है, यहाँ अंधेरा बहुत है, अंदर भी खाती हूँ। दीदी को ट्राई कराते हैं, दीदी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसका कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। कैसा है? You have to try this. उसका ज्यादा अच्छा बना था। क्या इसमें देखो, नहीं खाओ सीधे, छोटा बन सा। अरे यार सब सही है, देखो फोन को दूर रखो, फोन मेंटल कितना हंसती है। तो आलू टिक्की लग रहा है, आलू टिक्की है, चीज का फ्लेवर नहीं आ रहा। चीज तो बहुत डाले थे यार, ऐसा ना बताओ। हम इसको ट्राई करने वाले हैं, दीदी ने जो खिलाया था उसमें तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा इसको चटनी में डिप करेंगे। दीदी सही कह रही थी, ये ना ऐसा लग रहा है कि आलू इस पे हावी हो गया है, चीज थोड़ा कम लग रहा है। और अगर मैं इसका चीज दिखाऊं आपको तोड़ के, तो इसके अंदर चीज तो है यार, देखो ये चीज तो इसके अंदर है, नो डाउट। जैसे मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें चीज तो इसमें है, लेकिन ये है कि ज्यादा इसमें आलू का ही फ्लेवर आ रहा है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, अच्छी रेसिपी है। अब मिलती हूँ शाम को, शाम को कुछ अच्छा बनाएंगे, शाम को भी कुछ आलू का ही बनाएंगे, देखते क्या बनाते हैं। गाइस अगेन आपका वेलकम है। अभी बज रहे हैं लगभग 7:30, तो चाय वाय पी ली थी मैंने, नॉर्मल चाय पी थी, चाय के साथ जो थोड़ी बहुत चीज़ें खाई थी। अब हम बनाएंगे आज कोरियन स्टाइल मैगी। मैंने कोरियन स्टाइल मैगी ट्राई नहीं की है, एक बार की थी बट वो सही बनी नहीं थी। तो मैंने ना जब ये वाला शॉट देखा, मैंने कहा यार मुझे ये ज़रूर ट्राई करना है, बिकॉज मुझे मैगी पसंद है, और मुझे मतलब स्पाइसी मैगी बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा स्पाइसी मैं खा नहीं पाती हूँ, बट मुझे पसंद बहुत है। भले मैं 1-2 चम्मच 4 चम्मच ही खाऊँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। तो हम बनाएंगे आज कोरियन स्टाइल मैगी। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए, ये हमारा पानी उबल रहा है। इसमें डालेंगे हम मैगी, मैगी 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 पहले इतनी डालते हैं, देखिए इतने में हो जाएगा, वरना और ले लेंगे। मैं बना रही हूँ हम तीनों लोगों के लिए, मैं माँ दीदी, इनके लिए नहीं बनाऊंगी, वरना ये माँ डालेंगे, मैगी नहीं खाते ये। तो इसमें सबसे पहले मैगी मसाला डाला है हमने, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, नमक हम थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही नमक डालेंगे। एंड ना मुझे आइडिया नहीं लगा, मैगी ना थोड़ी गल गई थी, मैं आपको लास्ट में आप देखा थोड़ी गल गई थी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, हमने इसमें डाला था शेजवान सॉस। तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डाली थी, सेसमे सीड्स डाले थे, तो इन सबको ना मिला दिया था अच्छे, और लहसुन का ना तड़का दे दिया था। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद इसमें मैगी डाल दी थी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। मुझे खुद को लग रहा है मैं इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली एक हाथ से जब आप कैमरा पकड़ो ना, तो दूसरे हाथ से फिर काम चलता नहीं है, आपका हाथ ही नहीं चलेगा सही से, वो दिक्कत होती है। तो ये है ऑरिगैनो, ये ना मेरा पूरा सेट में लेके आई थी, बहुत बढ़िया था, चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग का सबका था। इसको हमको बारीक काटना है, बारीक काटने के बाद इसको हमको तड़का लगाना है। कच्चा भी डाल सकते हो आप इसमें छोटे छोटे पीस में, लेकिन फिर वो थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा, सो हम लगाएंगे तड़का। We are going to mix this. ये अभी इतना delicious लग रहा है, बनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है।
दीदी आपके सामने पेश है मेरा अनोखा आइटम, खाइए और खा के अच्छा रिव्यू देना है कि भाभी इतना अच्छा है कि मेरा। खाओ तो पहले, देखने में कैसा लग रहा है? स्पाइसी लग रहा है। यस, कुछ कम ज्यादा नमक ज्यादा या कुछ कम? मैगी ज्यादा गल गई है ना, थोड़ा पहले निकाल लेना चाहिए। पता हमको लगा, लेकिन हमने कहा कच्ची ना रह जाए, हमको बस यही डर था। अच्छा है ना? यस, मेरे तो ठीक है, स्पाइसी। अब माँ का रखा है थोड़ा सा।